दोस्तों मेरे पीछे दुनिया का सबसे वफादार कुत्ता है और इस कुत्ते के वफादारी के विचार से हमें और आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दिवाली के दिन मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, तो चलिए जो बोल रहा हूँ उसके पीछे की सच्ची कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों तमिलनाडु का एक शहर है कुन्नूर, उसी कुन्नूर में इस कुत्ते का मालिक रहता था। अचानक कुत्ते के मालिक की तबीयत बिगड़ जाती है, मोहल्ले वाले कुत्ते के मालिक को जो है अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाते समय ये कुत्ता जो आप देख रहे हैं ये पीछे पीछे जाता है और अस्पताल में अपने मालिक को भर्ती होते हुए देखता है, इलाज के दौरान भर्ती होते हुए देखता है और उसके मालिक का लगातार इलाज चलता है। लेकिन लगातार इलाज के बाद कुत्ते के मालिक की मौत हो जाती है और मौत के बाद कुत्ते के मालिक को अस्पताल से उठाकर मर्चरी रूम में रख दिया जाता है। उस दौरान मर्चरी रूम में ले जाते के दौरान भी कुत्ता पीछे पीछे ही रहता है और देखता है मेरा मालिक किस तरह से मर्चरी रूम में जा रहा है। मर्चरी रूम में जब मालिक चला जाता है, मर्चरी रूम के बाद शव जो है कुत्ते के मालिक का उसके घर पिछले दरवाजे से भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया को यह कुत्ता नहीं देख पाता है और आज इस घटना को 4 महीने बीत गए हैं, वो मर्चरी रूम के बाहर यह कुत्ता बैठा हुआ है। एएनआई की रिपोर्ट है, मर्चरी के बाहर यह कुत्ता बैठा हुआ है और वो अपने मालिक का इंतजार कर रहा है कि मेरा मालिक आएगा, मुझे उसी तरह बिस्किट खिलाएगा, हम दोनों आपस में खेलेंगे। अब आप यह सोच रहे होंगे यह कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं। दोस्तों आज के समय में जब बूढ़े माँ बाप के बच्चे नहीं होते हैं उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, अनाथाश्रम में बच्चे चले जाया करते हैं, बहुत सारे जगहों पर लोग रिश्तों की वजह से ठोकर खा के घूमते रहते हैं, उस दौर में एक जानवर का प्रेम एक इंसान के साथ कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आपको होगा। इसलिए मैं शुरुआत में कहा हूं इसके प्रेम से हमें और आपको सीखने की बहुत जरूरत है। शायद इसके प्रेम को हम सीख लेंगे तो देश में वृद्धाश्रमों की लगातार कमी आती चली जाएगी और लोग अपने माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे। इस कुत्ते के प्रेम से सीखने की जरूरत है कि आज के समय में भी ऐसे लोग हैं और इस तरह की जानवर की लगातार कहानियां आपको सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर मिलती रहेगी लेकिन इंसानों के प्रेम की कहानियां कम मिलेगी। इसी तरह की दोस्तों एक कहानी है, जब इस कुत्ते के बारे में सर्च आप करेंगे तो यह कहानी आपको इस कुत्ते की भी निकल के आएगी। इस कुत्ते का नाम है लालसा हिचको, यह जापान का कुत्ता है। जापान के एक स्टेशन पर इसकी मूर्ति लगी हुई है। जानते हैं क्यों? कुत्ता रोज अपने मालिक को स्टेशन छोड़ने जाया करता था और स्टेशन जब मालिक को छोड़ने जाया करता था तो मालिक स्टेशन से अपने गंतव्य पे चला जाता था और शाम को जब आता था तो कुत्ते के साथ आता था, तो रोज ये प्रक्रिया चलती रहती थी। लेकिन एक दिन कुत्ता छोड़ने जाता है, मालिक अपने गंतव्य पे चला जाता है लेकिन वापस नहीं लौटता, उसकी मृत्यु हो जाती है। कुत्ता अपने मृत्यु दम तक उस जगह पर उसी स्टेशन पर इंतजार करता है। यह प्रक्रिया चूंकि सब लोगों ने देखी थी इसके बाद में इस कुत्ते की स्मृति में वहां पर मूर्ति बना दी गई और इसके ईमानदारी की वफादारी की आज तक मिसाल दी जाती है। पर्यटक जापान में दूर दूर तक इस कुत्ते को देखने, इस जगह को देखने वहां पर जाते हैं। आज ये कहानी, ये दोनों कहानियां, दोनों सच्ची घटनाएं बताने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि दिवाली के दिन हम सिर्फ प्रेम समझें, आपस में प्रेम करें, अपने दोस्तों से प्रेम करें, अपने भाइयों से प्रेम करें, पत्नी से प्रेम करें, मां बाप से प्रेम करें और इस प्रेम का दिया जलाए रखें और दुनिया को इस प्रेम का जो रूप है उसको दिखाते रहें। शायद ये प्रेम कायम होगा तो दुनिया हमेशा हंसती खिलखिलाती रहेगी। एक बार पुनः आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं, आपके जीवन में खूब सारी खुशियां आएं। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।